हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मानसून आने वाला है और मानसून आते ही हमें अपने अनाज, दालों, चावल, आटे में कीड़ा लगने का खतरा बना रहता है। तो इस मौसम में हम अपने अनाजों को कीड़ा लगने से कैसे बचाएं, इसी से रिलेटेड आज मैं कुछ टिप्स लाई हूँ, जिसको आप फॉलो करने से आप अपने अनाजों को लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे और कीड़ों से भी बचा पाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें और ऐसी ही यूज़फुल वीडियो और टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी अगली टिप में शेयर करने वाली हूँ, आप दालों को मॉइस्चर से कैसे बचाएं, खासकर बरसात के मौसम में। वैसे तो कीड़ा हमारी दालों में नॉर्मल लग जाता है, लेकिन ज़्यादातर कीड़ा जो है हमारे छोले, जैसे सफ़ेद छोले हो गए, काले छोले, राजमा में लगता है, या जो हमारी साबुत दालें होती हैं जैसे उड़द की दाल हुई, इन सब में कीड़ा जल्दी से लगता है। तो इनको स्टोर करने के लिए और काफ़ी लंबे समय तक कीड़ों से बचाने के लिए मैं आपके सामने एक उपाय बताने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान है और हमारे घर में इजीली अवेलेबल भी है। चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है, आपके घर में नमक तो अवेलेबल होगा ही। आप इस तरीके से थोड़ा सा नमक लें और अपने जिन भी दालों को स्टोर करना है उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से डाल दें। उसके बाद, नमक डालने के बाद हम लेंगे हल्दी, थोड़ी सी हल्दी लें, इस तरीके से अपने दालों के ऊपर हल्दी डाल दें। और तीसरी चीज़ है ये सरसों का तेल। इस सरसों के तेल को आप थोड़ा थोड़ा सा अपने दालों के ऊपर इस तरीके से डाल दें और अच्छी तरीके से अपने हाथों से इसको अपने दाल और छोलों के ऊपर अच्छी तरीके से कोट कर दें। ये अच्छी तरीके से इनके ऊपर कोट हो चुका है। हो सके तो आप इसको एक घंटे की धूप दिखा दें। उससे क्या होगा, इसके जो सारा जो भी हमने इसके अंदर नमक, हल्दी और तेल डाला है वो सारे के सारे इसके अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। इससे आप देखेंगे काफ़ी समय तक आपके दाल और छोले कीड़ों से बचे रहेंगे। ये फ्रेंड्स, अगली टिप में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बारिश के मौसम में आप अपने चावलों को कीड़े से कैसे बचाएं। उसके लिए मैं आपको चार उपाय बताने वाली हूँ, उसमें से जो भी उपाय आपको आसान लगता है आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने चावलों में इस तरीके से खड़ी हल्दी होती है, आपने देखा होगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप उसका पाउडर भी डाल सकते हैं चावलों में, लेकिन पाउडर डालने से क्या होता है, चावल का रंग जो है पीला हो जाता है, तो कई लोग पीले चावल खाना पसंद नहीं करते हैं। तो उसके लिए आप इस तरीके से गठी हुई जो हल्दी आती है, कच्ची हल्दी, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप इसको अपने चावलों के अंदर इस तरीके से दबा के रख देंगे तो आपके चावल जो है कीड़े से बचे रहेंगे। और दूसरा उपाय है, आप इसके लिए लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लहसुन की कलियाँ हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका लहसुन अच्छी तरीके से सूखा हुआ होना चाहिए। इसकी दो तीन कलियाँ भी आप अपने चावलों में इस तरीके से दबा कर रख सकते हैं। इसके रखने से भी इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से कीड़े चावलों में नहीं आते हैं। तीसरा तरीका मैं बताने वाली हूँ आपको, इस तरीके से चौक आपके घर पे होगा ही है, मोस्टली चौक हमारे घर पे अवेलेबल होता ही है क्योंकि बच्चों के काम में ये आता ही है। तो इस चौक का इस्तेमाल भी आप अपने चावल को कीड़ों से बचाने के लिए कर सकते हैं। ये भी आप अपने चावलों में दबा कर रख सकते हैं। और चौथा तरीका ये है, कड़ी पत्ता। आप कड़ी पत्ते का इस्तेमाल भी चावलों को कीड़े से बचाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप नीम के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पत्ते मेरे सूखे हुए हैं तो आप कोशिश करें कि आप सूखे हुए नीम के पत्तों का यूज़ करें। अगर आपके पास सूखे हुए नहीं हैं तो आप कड़ी पत्ता एक पॉलीथीन में डाल के आप इसमें रख सकते हैं। इस तरीके से दबा के रखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी समय तक आपके चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा। और सबसे लास्ट तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ चावल को कीड़े से बचाने के लिए, वो ये है कि आपके पास इस तरीके से जिप लॉक वाली छोटे से पाउच तो होंगे, आप इस सुई की मदद से आप इसमें इस तरीके से दूरी दूरी पे होल कर लें किसी सुई की, सेफ्टी पिन की मदद से, जिस मर्जी की मदद से आप इसके अंदर होल कर सकते हैं।
और उसके बाद आप इसको खोल लें। और इसके अंदर आपके पास माचिस की तीली तो होंगी, इसमें से आपने माचिस की तीली ली, माचिस की तीली को हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम अच्छी तरीके से सील कर देंगे। सील करने के बाद हम ये अपनी जो पाउच है इसको हम अपने चावलों के अंदर रख देंगे। माचिस के मसाले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिसके कारण कीड़े जो है चावलों के अंदर नहीं आते हैं। इसको मैंने जिप लॉक के पाउच में इसलिए डाला है ताकि इसके मसाला जो है डायरेक्ट चावल के कॉन्टैक्ट में ना आ सके, और इसमें छेद इसलिए किए हैं ताकि इसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल है इसके ज़रिए बाहर आ जाए। और इसको हम इस तरीके से अपने चावलों के बीच में दबा के रख देंगे। इसे आप देखेंगे आपके काफ़ी लंबे समय तक चावल सुरक्षित रहेंगे और इनमें कीड़ा नहीं लगेगा। चलिए अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपने दलिये और सूजी को आप कैसे कीड़ों से बचा के रख सकते हैं। उसके लिए आप दलिये और सूजी को 2-3 मिनट के लिए पहले ड्राई रोस्ट कर लें। उसको ठंडा करने के बाद इस तरीके से कंटेनर लें, उसमें अपने सूजी और दलिये को डाल दें और ऊपर से 4-5 लौंग डालकर अपने कंटेनर को अच्छी तरीके से बंद कर दें। ध्यान रहे इसके लिए आप एयर टाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल करें, इससे आपके दलिया और सूजी काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। चलिए अगली टिप में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप मैदे और बेसन को कैसे स्टोर करके रखें ताकि वो लंबे समय तक कीड़ों से बचे रहें और सुरक्षित रहें। उसके लिए आप जब भी मैदा और बेसन मार्केट से ख़रीद के लेकर आएँ तो उसको अच्छी तरीके से पहले छान लें, देख लें कि उसमें कहीं कीड़ा तो नहीं है। अगर आप पैकेट बंद बेसन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जितनी ज़रूरत हो उतना निकाल के आप इस्तेमाल कर लें, बाकी बेसन को उसके अंदर पड़ा रहने दें। और उसके बाद इस तरीके से बड़ी इलायची, आप छोटी इलायची किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इसके अंदर डाल के और अच्छी तरीके से उसको आप एक रबड़ बैंड की मदद से सील कर लें। सील कर लें। और अगर आप खुले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप जिप लॉक वाली या एयर टाइट पन्नी ले लें, उसके अंदर अपना मैदा और बेसन डाल के उसके अंदर 2-3 बड़ी इलायची या छोटी इलायची का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं डालकर एक रबड़ बैंड की मदद से उसको अच्छी तरीके से सील कर लें। उसके बाद आप एक एयर टाइट कंटेनर लें, उसके अंदर आप थोड़े से चावल नीचे बिछा दें। ध्यान रहे कि आपका चावल पुराना होना चाहिए। उसके ऊपर एक टिश्यू पेपर रख दें, उसके बाद अपनी थैली डालकर अच्छी तरीके से बंद करके रख दें। इससे क्या है आपका बेसन और सूजी काफ़ी लंबे समय तक कीड़ों से बचे। चलिए मेरी लास्ट टिप होने वाली है कि हम आटे को किस तरीके से लंबे समय तक स्टोर करके रखें ताकि वो बरसात के मौसम में कीड़ों से बचे रहें। उसके लिए सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जब भी आप आटा लेकर आएँ और अपने कंटेनर में डालें तो उस कंटेनर में पहले से कोई भी बचा हुआ आटा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप उसको कंटेनर को अच्छी तरीके से धो के 1 घंटे के लिए धूप में सुखा लें या सूखे कपड़े से सुखा के उसके बाद उसमें आटा डालें। अब मैंने अपने कंटेनर को धो के रख लिया है। उसके बाद हम न्यूज़पेपर लेंगे और उसको इस तरीके से इसके नीचे की तरफ इस तरीके से बिछा देंगे। वैसे तो आप टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर मोटा होता है और ये मॉइस्चर को अच्छी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हम नीचे इसको इस तरीके से बिछा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने एक प्लेट में ले लिया है तेज़पत्ता और साबुत सूखी लाल मिर्च। अब हम इसके नीचे सबसे पहले इस तरीके से पत्ते फैला देंगे और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्ची डाल देंगे। दो तरीके तो ये हो गए दोस्तों कि आप एक तेज़पत्ते का यूज़ कर सकते हैं, दूसरा तरीका सूखी लाल मिर्च का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या करें आप, ये मैंने आटा पिसवा के रखा हुआ है, अब मैं इसको इसके अंदर डालने वाली हूँ। जब भी आप आटा अपना स्टोर करें और उसमें अंदर डालें और निकालें, उसके लिए आपके पास एक अलग से इस तरीके से कोई भी चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप इसको इसी से निकालें और इसी से ही डालें, या आप कोई कटोरा रख लें या आप गिलास रख लें, कोई भी एक चीज़ रख लें इसको निकालने और डालने के लिए। क्योंकि अगर हम हाथ से निकालते हैं तो उसके मॉइस्चर से हमारा आटा जो है ख़राब होने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इससे मैं अपने आटे को इसके ऊपर इस तरीके से सारा डाल दूँगी। चलिए
अब मैं इसको दूसरा तरीका आपको बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप लें खड़ा नमक, मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर आपको खड़ा नमक नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल जो पिसा हुआ नमक है वो भी डाल सकते हैं, अगर आप नमक वाले आटे का इस्तेमाल करते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको आप एक थैली में बांध के भी इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास खड़ा नमक था तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अपना तीसरा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ हींग का। आप इसको कीड़ों से बचाने के लिए हींग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास साबुत हींग है तो आप उसको इस तरीके से डाल दें। मेरे पास साबुत नहीं थी, पिसी हुई थी, तो मैंने इस तरीके से एक पाउच ले लिया जो ऊपर से सील हो जाता है, और इसके अंदर सुई से मैंने छोटे छोटे छेद कर दिए और इसके अंदर मैंने हींग डाल दी है। आप ये वाला हींग का जो है पाउच इसके अंदर डाल सकते हैं। क्या इससे क्या होगा, इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल से कीड़े हमारे आटे के पास कभी भी नहीं आएंगे। अगला तरीका है नीम का। आप इसके अंदर नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपकी पत्तियाँ सूखी हुई होनी चाहिए। जैसे कि मैं इसकी नीम की पत्तियों को आप वैसे भी तोड़ के डाल सकते हैं, चाहे साबुत हो तो इस तरीके से आप साबुत भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास नीम की पत्तियाँ नहीं है तो नीम की डंडियाँ भी आपका काम कर सकती हैं। ये थे मेरे पास तरीके, इनमें से आपको जो भी तरीका आसान लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप खाना बनाने के लिए तूड़े का इस्तेमाल करते हैं उस तूड़े को आप आटे से अलग ही रखें, उस तूड़े को आप इस आटे के अंदर नहीं डालें, इसके कारण भी आटे में कीड़ा लगने का खतरा बना रहता है। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।